हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वाजराम जो रेवी का स्टडी मटेरियल है उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो सब लोगों को पता है, मतलब येल्लो बुक्स काफ़ी पॉपुलर है, आप लोगों ने सुना होगा वाजराम येल्लो बुक्स वगैरह करके। तो हम देखते हैं उसका जो स्टडी मटेरियल हमारे पास जो है उसका क्वालिटी कैसा है, एंड कैसे उन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है, और आप कैसे खरीद रहे हैं। खरीदने के लिए लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप ले सकते हैं वो जो ऑनलाइन लिंक से। सो चलो देखते हैं क्या क्या है। जनरल स्टडी, पहला चीज़ जनरल स्टडीज़ में एक है इंडियन पॉलिटी, तो सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। बट इन लोगों का फॉर्मेट देख लीजिए, तो ये पेपर क्वालिटी तो मतलब ठीक है, मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है बट ठीक है इतना। और इसको जैसे इंडेक्स आप देख लो तो हर चीज़ थोड़ा बहुत क्लियरली दिया है, लाइक प्रीएम्बल क्या है, सैलिएंट फीचर्स क्या है, फेडरल लाइन, यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उन लोगों का ये दिया है, मतलब इंडेक्स है। मतलब सब एक ही बुक में नहीं इंक्लूड किया, मतलब इसका मतलब है इसका और भी बुक है, तो इसमें पहला पार्ट में इतना चीज़ इंक्लूडेड दिया है। तो आप देखो तो मतलब काफ़ी स्पेसिंग वगैरह अच्छा दिया है उन लोगों का, और पॉइंट वाइज भी अच्छा, मतलब टेबल्स दिया है जैसा लक्ष्मीकांत में दिया है, टेबल्स इसमें भी दिया है आपको इसी अंडरस्टैंड करने के लिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब पॉइंट वाइज है एक्चुअली। तो आप ये वाजराम के बुकलेट देखेगा तो आपको बहुत सारा चीज़ बुलेट पॉइंट में या पॉइंट वाइज मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है वो पढ़ने के लिए। कोई मतलब देखो कहीं भी है पॉइंट वाइज ही वो देते हैं, तो पढ़ने में थोड़ा आसान है और रिवीजन करने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये चीज़ आपके लिए। तो ये पॉलिटिकल बुक था, येलो बुक। ओके, अभी दूसरा देखते हैं कौन सा, मतलब हमें देखना है कितना बुक्स देते हैं ऑलरेडी वो, ठीक है। और दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बात क्या है, मतलब इसमें भी टेबल्स वगैरह दिए हैं बट ज़्यादा कभी कभी फिगर्स भी दिए हैं, और फिगर्स ब्लैक एंड वाइट है तो आप लोग देख के पता कर सकते हैं, मतलब चल जाता है। और इसका भी एक ही बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, थोड़ा सा नहीं इतना मोटा भी नहीं है, अब आराम से वो कवर कर सकते हैं। और इसका कंटेंट्स वगैरह यही है, तो इतना मेजर कंटेंट इसका अंदर इंक्लूडेड किया है उन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आपको मिडिवल इंडिया का मिल जाएगा, तो मिडिवल इंडिया का आप देख लीजिए, मतलब ये काफ़ी छोटा बुक है, इतना अभी नहीं है, आप मतलब आराम से कवर करके रिवेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि इन लोग क्या करते हैं वाजराम का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वाइज रहते हैं, और आप ये देखो पूरा पूरा बुलेट पॉइंट सब में दिया हुआ है, तो आपका पढ़ाई थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी बुक्स में क्या है वो इससे पैराग्राफ वगैरह चलते रहेगा, बट ये पॉइंट वाइज समझना अंडरस्टैंड करना वो काफ़ी अच्छा रहता है। और इंडियन इकोनॉमी तो ये भी काफ़ी अच्छी वे में दिया है, तो इसका एक पार्ट है। और जो साल का एंड होता है तो उन लोगों ने बजट का एक बुक निकाल देते हैं उसके साथ, और इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का एक अच्छा सा बुक मतलब पूरा कवर करके निकाल देते हैं। ये पढ़ लिया तो मोर देन सफिशेंट है उसके लिए, बड़े बड़े मोटे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो यही बात है। उसके बाद है एथिक्स, देखो एथिक्स का केस स्टडीज इसमें दिया है, इस ए वाला बुक में आपको बहुत सारा मिल जाएगा, मतलब केस स्टडीज़ पढ़ने के लिए, एग्जाम में केस स्टडीज़ काफ़ी पूछते हैं। उसके बाद है जनरल स्टडीज़ का एथिक्स का दूसरा, ठीक है। इसमें ये इसका कंटेंट्स है गवर्नेंस के बारे में, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ऐसे ऐसे चीज़ें, मतलब जो भी सिलेबस के हिसाब से ही दिया है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का देखो, मतलब बुक तो छोटा है, और मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक बुक है, ये काफ़ी अच्छा है मॉडर्न हिस्ट्री का, मतलब एक बार पढ़ के देगा तो आपको पता चल जाएगा, मतलब पॉइंट वाइज काफ़ी आसान रहता है पढ़ने के लिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है। उसके बाद देखो मोटा बुक आ गया तो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी तरह से मतलब फिगर के साथ तो उन लोगों ने दिया है, मतलब आप देख लो मतलब काफ़ी कलरफुल फिगर्स हैं, और कंसेप्ट भी अच्छी तरह उन लोगों ने दिया है। आपको पता है वाजरा में मनोचा सर पढ़ाते हैं इंडियन ज्योग्राफी, काफ़ी फेमस है, और उसका पढ़ाने तरीका भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी का कंसेप्ट, नेचुरल रिसोर्सेस, ये सब करके एक और है, ज्योग्राफी का दो है, और इकोनॉमी का बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी का दूसरा बुक है, मतलब इकोनॉमी का हम दूसरा एक बुक देखा, ये पहला वाला बुक है बेसिक्स, आपको जो भी बेसिक्स है वो अच्छी तरह इसमें क्लियर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनवायरमेंट एंड एकोलॉजी, ओके, ये भी काफ़ी फेमस, मतलब अच्छा
अच्छी तरह बनाया है हम लोगों ने, लाइक कलरफुल पिक्चर्स है और मतलब अब एनसीईआरटी से भी अच्छा इंटरेस्टिंग वे में दिया है इन लोगों ने। आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, एक बार पढ़ के देखो, मतलब दिस इज़ गुड एक्चुअली। एनवायरमेंट इकोलॉजी का इन लोगों का बुक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसके बाद गवर्नेंस इश्यूज़ के बारे में है इन लोगों का, गवर्नेंस इश्यूज़ मतलब पेपर टू में आ जाते हैं। और दूसरा आते हैं आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का भी अच्छी खासी दिया है इन लोगों ने, मतलब पढ़ने में आसान है। मतलब उन लोगों ने जो टीचर्स का एक्सपर्टाइज वो सब यूज़ किया हुआ है इन लोगों ने इसमें। उसके बाद आता है सोशल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ का तो बहुत सारा दिया है, मतलब एक छोटा सा बुक है, एक देखो काफ़ी छोटा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। और इसका भी मटेरियल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और पॉलिटी का हमने पहला पार्ट वन देखा था, ये पार्ट टू है। तो पार्ट टू में जो मतलब जो भी टॉपिक्स है इसमें में वो भी इसमें भी कवर होता है ऑन ए पॉइंट फॉर्मेट। उसके बाद है एथिक्स इंटीग्रिटी का, मणिकांत सर करके एक सर है, उसका जो सेशन पढ़ाया था, क्योंकि वो टीचर्स के हिसाब से उन्होंने दिया है, मतलब थ्री टीचर्स है वहाँ पे ये पढ़ाने के लिए वाजरा में एथिक्स पढ़ाने के लिए। तो एक टीचर है मणिकांत, उसके हिसाब से भी एक दिया था उसका क्लास के हिसाब से। और इंडियन सिक्योरिटी, जनरल स्टडीज़ में सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी दिया है सिक्योरिटी टॉपिक्स के ऊपर, काफ़ी इंटरेस्टिंगली दिया है, पढ़ने में काफ़ी आसान है, ठीक है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल हम सब देखते रहते हैं, मतलब वो है वाजराम का करंट अफेयर्स बुकलेट। तो ये ऐसे दिखते हैं एक्चुअली, आपको डाउनलोड करने के लिए साइट वेबसाइट में मिल जाते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये उसका करंट अफेयर्स का बुकलेट ऐसे रहता है, ये तो एक मतलब जब एंड होता है, मंथ एंड होता है, तो लोग क्विक रिवीजन का भी निकाल देते हैं, एक पार्ट वन पार्ट टू। तो फॉर्मेट ऐसे रहेगा, आप चलो देखते हैं उसका फॉर्मेट कैसे है, ठीक है। पेपर क्वालिटी वगैरह सेम है। इसके बाद उन लोगों ने जो कंटेंट ऐसे दिया है एक्चुअली, नेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल, मतलब हिसाब से अच्छी तरफ दिया है एक्चुअली। उसके बाद ये तो कैसे होता है, चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लाइक महाराष्ट्र मतलब करंट अफेयर्स के ऊपर काफ़ी, मतलब उन लोगों ने कुछ भी छोड़ा नहीं, मतलब अगर करंट अफेयर्स आपको एकदम 100% नहीं बोल सकता, मतलब 80% कवर करने के लिए ये तो काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप रिव्यू भी देखो ऑनलाइन में, पता चल जाएगा दिस इज़ रियली गुड एक्चुअली। करंट अफेयर्स का बुकलेट जो उधर GS के लिए ज्वाइन किया उन लोगों को फ्री में प्रिंटेड नोट मिलता है, ओके। तो इतनी सारी येलो बुक्स आते हैं, आप देखो इतना मतलब क्या से देखे आज तक इतना सारा स्टडी मटेरियल वो लोग देते हैं। उसके अलावा CSAT भी रहते हैं, CSAT अगर ज्वाइन किया तो आपको CSAT का स्टडी मटेरियल मिल जाता है। ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक बुकलेट है, इसमें पूरा कॉम्प्रिहेंशन का बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो आपको काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐसा दो और बुक है, एक लॉजिकल रीजनिंग के लिए और एक कॉन्ट के लिए, ठीक है। सो जस्ट गिविंग एन फॉर गिविंग एन आइडिया मैं दिया ये दिया है, बट CSAT के लिए आपको अलग से कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। बट मटेरियल इज़ टू गुड, आप प्रैक्टिस करो आराम से CSAT निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, तो ये मटेरियल आपने देख लिया बहुत सारा, मतलब येलो बुक्स ऐसे होता है, पेपर क्वालिटी भी ठीक है, मतलब बाइंडिंग इतना बाइंडिंग भी चल जाता है, बट आपको तो सालों तक नहीं पढ़ना है, एक दो साल तो पढ़ना है, ठीक है। और इन लोगों का प्रेजेंटेशन मेथड काफ़ी अच्छी तरह से उन लोगों ने दिया है, पॉइंट वाइज दिया है, कभी कभी टेबल्स दिया है, कभी कभी कलर इवन विथ पिक्चर्स दे हैव दिया है एक्चुअली। तो ओवरऑल माई पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या बोल सकते हैं, इट इज़ रियली गुड, आप देखना चाहते हो तो। और ये जो बुक्स है आप वाजरा में जाके खरीद सकते हैं, तो उसको अलग से ज़्यादा पैसा लग जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है आपको इसमें भी मैंने देखा तो ऑनलाइन में भी है ये चीज़ अवेलेबल, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर दीजिए और आप उसमें आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। तो मैंने जो दिखाया था ये 2018 का मटेरियल है, तो जब भी आप ऑनलाइन में कहीं से खरीदते हैं वो मटेरियल का डेट देखना ज़रूरी है। अभी आपको लेना है तो 2019 या 2020 का जो भी होता है वो आपको लेना है, ठीक है। और हाँ, और इसका वाजराम का रिलेटेड एक प्ले लिस्ट हमने बनाया हुआ है, तो उसमें सारा चीज़ वाजराम का जो भी डाउट है उसमें क्लियर दिया है एक्चुअली, जैसे आपका क्लासरूम कैसे दिखते हैं, उन लोगों का पूरा कंप्लीट रिव्यू क्या है, एवरीथिंग इन एंड आउट हमने दिया हुआ है। तो आप आराम से वो देखो, पढ़ो पढ़ो, मतलब पहले आप डिसीजन अच्छा ले सकते, और कैसे वाजराम का एडमिशन प्रोसीजर लेना है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। और उन लोगों का टीचर्स कैसे है, टीचर्स को आप जाने से पहले उन लोगों का टीचिंग देख सकते,
अराउंड 30-35 टीचर्स का एक वीडियो भी है कैसे वो लोग पढ़ाते करके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसलिए हमको इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा अच्छा वीडियो आपको लेके जाने के लिए, लेके आने के लिए, और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते भी रहने के लिए। और बेल बटन भी दबा दीजिए आप। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।